तो कैसे हैं आप लोग? Keep it real. गैस मैं आज कुछ ऐसे प्रूफ के साथ बताऊंगा कि यार राइस बिल्कुल भी हैकर नहीं है। तो यार राइस बिल्कुल भी हैकर नहीं है, मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा इंडिया के फास्टेस्ट प्लेयर। तो अब देखो यार, आसमान में उतने स्टार नहीं दिखाई देते जितने ज़्यादा स्टार जमीन में दिखाई देते हैं, राइस स्टार हमारे फ्री फायर के स्टार। तो गैस राइस क्या हैकर है, सभी मैं इस वीडियो को बताऊंगा क्या सच है क्या नहीं। दोस्तों अक्सर राइस स्टार को हैकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यार वो हमेशा हेडशॉट रेट्स लगातार देते रहते हैं। तो क्या सही में हैकर है राइस स्टार? तो आओ यार मैं कुछ वीडियो सबको दिखाता हूँ जिसको प्रूव करती है कि राइस स्टार हैकर नहीं है। पहले मैं भी यही मानता था यार कि राइस स्टार हैकर है, और मैं यार किसी के बंदे की बात में आकर मैं भी यही कहने लगा था यार राइस स्टार हैकर है। तो गाइस मैं भी आपकी तरह ही सोचता था। चलिए यार मैं आपको दिखाता हूँ कुछ क्लिप्स जिसको प्रूव करते हैं कि राइस स्टार हैकर बिल्कुल भी नहीं है। तो देख ले भाई, इसके साथ तो कभी तू खेला होगा। मारा कहाँ पे? पैर पे। और लगी कहाँ पे? हेड पे। क्यों? क्योंकि एमबोट है, उसे खींच के सर की तरफ लेके जा रहा है। इसे कहते हैं असली हैकर, ठीक है? तो गाइस आप इसे देख के अगर आप हैकर बोल रहे हो राइस्टर को, यार आप बिल्कुल गलत हो। यहाँ पे देखो यार, सेंसिटिविटी इतना स्मूथ है कि यार पर थोड़ा सा भी ड्रैग ऊपर जाएगा तो यार आराम से हेड जा सकता है, ठीक है? अगर राइस्टर सही में हैकर है तो यार एमबोट का, तो ये वीडियो जरा ध्यान से देखो। अगर हैकर है तो अब तक दो तीन हेड बढ़ी जाता है उस बंदे को। मैंने भी एमबोट यूज़ किया है कभी एक मजाक के लिए गेस्ट अकाउंट में। तो यार जब भी आप स्कोप ऑन करते हो तो ऑटोमेटिकली हेड लेके जाता है, लेकिन यार यहाँ पे इतना सेंसिविटी स्मूथ है यार ऑटोमेटिक हेड नहीं जा रहा, तो आप ध्यान से देख सकते हो। और फिर गाइस एमबोट हैकर होता भी तो यार परमानेंट बैन हो जाता है, आईडी परमानेंट बैन हो जाता है, ठीक है एमबोट हैकर से। ऐसा ना हो जाए, मरे हुए लोग वापस नहीं आते। दीदार मैं मर। अभी जिस किसी ने भी इसको पोस्ट किया है ना वॉल हैकर बोल के, उसके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। क्योंकि यार एमबॉट हैकर तो बोलना तो एक हद तक ठीक है, वॉल हैकर बोले तो यार वॉल हैकर बोले तो किसी भी वॉल के अंदर जा सकता है, ठीक है? यहाँ पे इसको किसी भी वॉल हैकर नहीं बोल सकते। और ज्ञान सुजन का जो नेटवर्क कनेक्शन होता है हमेशा स्लो होता है, जब भी राइस्टर को स्पेक्टेट कर रहे होते हैं उसी वीडियोस में सभी राइस्टर को हैकर बुलाया गया है वॉल हैकर। तो यार बिल्कुल भी नहीं है, ज्ञान भाई का हमेशा नेटवर्क कनेक्शन स्लो होता है। अब प्रूफ की जगह पर ये पिक्चर देख लो। और फिर राइस्टर को और एक वीडियो दिखाता हूँ जहाँ पे राइस्टर का भी लैग मारता है कभी कभी। तो इस वीडियो को जरा ध्यान से देखो, लैग मारता है, राइस्टर का पिंग हो जाता है, हाई पिंग हो जाता है यहाँ पे। तो बंदा जैसे ही सामने आता है देखो मार नहीं पाते, तो हाई पिंग जाता है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क कनेक्शन प्रॉब्लम है। इसको आप लेके हैकर नहीं बोल सकते, यानी वॉल के थ्रू बाई मिस्टेक ले चला जाएगा, एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है, ग्लिच है रहने का, ठीक है? भी देखो यार राइस्टर का मूवमेंट स्पीड ही इतना फास्ट है कि यार उसको हैकर बुलाया जाता है। और तो और ज्ञान सुजन जो स्पेक्टेट करता है तब उसका नेटवर्क जो है बहुत स्लो होता है कनेक्शन, और इसी ग्लिच के वजह से उसका थोड़े बहुत ग्लिचेस आपको दिखाई देते हैं जिसको आप हैक बोल लेते हो। और अगर बात करें लॉयल फैन बेस की, गाइस फ्री फायर में राइस्टर का बहुत ज़्यादा लॉयल फैन बेस है। पहले इसके सबीर बॉस का हुआ करता था लॉयल फैन बेस, अभी राइस्टर का है पूरा फ्री फायर में। तो इसी बात को लेकर यार थोड़े बहुत लोग भी बोलते होंगे हैकर, कोई नहीं। और एक बहुत सारे प्रूफ दिखाता हूँ मेरे को कि राइस्टर हैकर है या नहीं। फर्स्ट ब्लड। जरा ध्यान से देखो गाइज, यहाँ पे देखो ड्रैग है गाइज, ड्रैग जो है लेफ्ट में थोड़ा सा लिया है और फिर हेड पड़ा है गाइज। यहाँ पे इसको एमबॉट बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। तो जैसे कि आप सभी देखो यार हेड पे हेड मारते गए तो यार उसको हैकर बोलने लगते हैं। अगर ऐसे सही में होता तो यार आज तक पूरे जो भी टूर्नामेंट्स हुए सब राइस्टर जीत लेता, ऐसे एक टूर्नामेंट भी नहीं हारता वैसे। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं यार जो एक हेडशॉट देखते हैं हैकर बुला लेते हैं, मतलब उन्होंने अपनी जिंदगी पूरी जिंदगी में कभी हेडशॉट ही नहीं मारा होगा, वो लोग बोलते हैं कि भाई तू हैकर है क्या? मतलब यार मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया भाई, मैं जब भी हेड मारता हूँ ना ड्रैग शॉट देता हूँ एक्स एम एट से, तब यार लोग मेरे को पूछते हैं भाई तू हैकर है क्या? मतलब ये कोई सेंस की बात है यार, हेड शॉट दे तो आप उसको हैकर बुला लोगे क्या? नहीं लोग कहां से आते हैं गाइस? मेरे हिसाब से राइस्टर बिल्कुल भी हैकर नहीं है। अगर एमबॉट हैकर होता तो यार मेरे को पता चलता है कि ड्रैग शॉट कैसे है जाता है और फिर एमबॉट जो शॉट होता है वो कैसे जाता है। देखो यहाँ पे शॉर्ट रेंज में यार, यहाँ पे लॉन्ग रेंज पे जो जा रहा है गाइस, शॉर्ट रेंज पे और लॉन्ग रेंज पे जो फायरिंग हो रही है वो बिल्कुल स्मूथ है गाइस। मतलब जो है एमबॉट खींच के नहीं ले जा रहा, वो बिल्कुल स्मूथ ड्रैग है, ठीक है? और फिर जो ज्ञान सुजन होता था वो सब एक ग्लिच है गाइस, एक्सपेक्टेड ग्लिच। और गाइस यहाँ पे हम बात करें राइस्टर की अर्निंग्स की, राइस्टर मंथली कितना कमाते हैं सब अर्निंग में आपको अभी बताता हूँ। रुको, राइस्टार के टोटल सब्सक्राइबर्स है 604 और फिर टोटल व्यूज 9.93 मिलियन। और फिर गाइस ये ग्लोबल पे आते 37th रैंक पे। और फिर मंथली इनकम है गाइस 1.75 के डॉलर।
YouTube की पेमेंट साइट पे रखते हो गाइज, यहाँ पे हम लेते हैं, बात करते हैं गाइज ये कितना कमाते हैं अपने सेल्फ लाइफस्टाइल से। यार ये एक मैच बंदे के साथ खेलने के लिए पे करना पड़ता है, यानी देख सकते हो आप छोटे यूट्यूबर जो भी होते हैं राष्ट्र के साथ खेलते हैं तब वो पे करके खेलते हैं, जो कि गलत बात बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उतनी मेहनत की होती है यार उसके साथ खेलने के लिए, जैसे कि बड़े बड़े स्ट्रीमर्स डायनमो और मोटर भी करते हैं ये चीज़। तो गाइज ये करने में कोई गलत बात नहीं है, जैसे कि आप सुपर चैट देते हो वैसे आप गेम खेलने के लिए भी पैसे पे करते हो, तो ऐसा ही होता है गाइज। अगर गाइज आपको लगता है मैंने इतना सारा प्रूफ दे दिया रजिस्टर हैकर ने, अगर आपको लगता है कि रजिस्टर हैकर है तो यार मेरे को एक वीडियो के साथ प्रूफ दो, इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करो कि हैकर है या नहीं। तो मैंने जितना बोला उतना हो गया, तो आपका क्या कमेंट है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। और गाइज वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सहमत हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते ऐसे अगले वीडियो में, तो मिलता हो ऑर्गेनिक गेमर्स। तो बस आज के लिए इतना ही। Toxic skies, you pollute.